इमेजिन कीजिए कि कोई सबमरीन समुद्र के 1000 फीट नीचे तैर रही है और अचानक से किसी वजह से उसमें लीकेज हो जाए और चारों तरफ से सबमरीन में पानी भरने लगे। ऐसे किसी इंसिडेंट में अंदर बैठे क्रू मेंबर का बचना ऑलमोस्ट इम्पोसिबल हो जाता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम बना रहे हैं जिनमें नासा कंट्रीज द्वारा बनाया गया NSRS का तो टेस्ट भी किया जा चुका है। इसमें रिमोटली कंट्रोल सबमर्सिबल व्हीकल होता है जिसे किसी दूसरे शिप से कंट्रोल किया जाता है और सबमरीन के डूबते वक्त ये सबमरीन के पास जाकर अटैच हो जाता है और इसकी मदद से एक बार में 12 लोगों को बचाया जा सकता है।